हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोगों को और एक इंटरेस्टिंग और धासु वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको MIUI 12 विथ फिंगरप्रिंट स्कैनर देने वाला हूँ। गाइस, मेरे को तो पता है आप सभी लोगों के बहुत सारे थीम क्रिएटर के वीडियो देखते हो, बहुत सारे MIUI 12 का थीम तो यूज किया होगा। दोस्तों, आज ये जो वीडियो होने वाला है, ये थीम बहुत ही यूनिक सा थीम होने वाला है और आपको मतलब पूरा क्लियर चीज़ आपको मिलने वाला है। पूरा जो आपने आज इट इज़ देखा होगा MIUI डिवाइस के अंदर, इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा, वो थी फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको मिल जाएगा। तो आपने तो बहुत सारे MIUI थीम्स ट्राई किए, जस्ट लाइक MIUI 12, बट आपने कभी भी MIUI 12 का एक्चुअली आपने फिंगरप्रिंट वर्जन ट्राई नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पूरा फर्स्ट तक लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और पासवर्ड के लिए दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, दो तीन चार मिनट देख लीजिए गाइस, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। गाइस, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का लाइक टारगेट 35 लाइक ओनली। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नीचे रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उसके बाद ग्रे कीजिए, क्योंकि मेरे को एनालिटिक्स बता रहा है कि आप सभी 95% लोग जो है भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कुछ 10-15% लोग सब्सक्राइब किए हैं बस। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस थीम का, और इस थीम में दो वेरिएंट्स के अंदर मैंने बनाया हुआ सभी लोगों के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलता है, इस थीम के अंदर क्या नया मिलता है और कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो को जानने के लिए पूरा अंत तक देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल का वीडियो को। दोस्तों, इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो थीम है गाइस, मैंने दो वेरिएंट के अंदर बनाया है, जस्ट लाइक मतलब फिंगरप्रिंट एनिमेशंस विदाउट फिंगरप्रिंट एनिमेशंस। दोस्तों, यदि इस थीम का आपको डार्क मोड चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते कि भाई लोग हो सके तो जल्दी मैं ट्राई करूंगा डार्क मोड इस थीम का लाने के लिए। दोस्तों, इस तरह कुछ आपको फाइल इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फाइल्स आपको डाउनलोड करना है और क्या क्या एप्लीकेशंस डाउनलोड, एक ही एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। दोस्तों, पहले तो ये दोनों थीम फाइल मिल जाएगा आपको विदाउट फिंगरप्रिंट विद फिंगरप्रिंट। आप चाहें तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी फाइल आपको चाहिए। उसके बाद आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, आपको सर्च करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ MIUI नोटिफिकेशंस बार सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा एप्लीकेशन के साथ, उसको इंस्टॉल कर दोगे तो इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा। बहुत ही सही काम करता है, बहुत ही 2-3 MB का फाइल है तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है MIUI नोटिफिकेशंस बार, उसको तो पहले इंस्टॉल करके उसको उसको ओपन करके जो भी परमिशन मांग रहा है उसको अलाउ कर देना है। दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है, बट यहाँ पे मैं जाके जो एप्लीकेशन था MIUI कंट्रोल सेंटर, उसको पहले तो उसको एक्सेस करके सभी एप्लीकेशन से परमिशन दे दूंगा। जैसे परमिशन दे दूंगा तो हमारे फ़ोन के अंदर पहले तो हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो हमारा MIUI का अप्लाई हो चुका है नोटिफिकेशन पैनल, ये परमानेंटली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसको यूज कीजिए। तो दोस्तों, चलिए उस थीम को अप्लाई कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं इसमें इस थीम के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाता है और क्या क्या नया चीज़ हमने ऐड किया है। तो मैंने फिंगरप्रिंट वाला ही ऐड मतलब अप्लाई करूंगा यहाँ पे, आप चाहे तो जो भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप थीम अंदर देखोगे, इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है, यहाँ पे इस तरह कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ यहाँ पे आइकन ऐसा कुछ मिल जाता है। एंड बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल आइकन के साथ मिल जाता है और स्विपिंग पैनल ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल कुछ आपको देखने को मिल जाता है ऐसा। चलो, इसमें आपको जो अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 5 मिनट्स को कैसे आप मतलब बाईपास करना है। दोस्तों, मैं कुछ बता देता हूँ, तो आपको बता दूँ पहले तो डायलॉग कैसे दिखता है। गाइस, मैं पर्सनल इशू के लिए मैं आपको दिखा नहीं सकता फिर डायलॉग डायरेक्टली ओपन करके, सो मैंने स्क्रीनशॉट कुछ रखा हुए है कुछ MI देख सकते हो। तो ये जो डायलॉग देख सकते हो, इस तरह कुछ आपको MIUI जैसा MIUI 12 जैसा पूरा एक्यूरेट पूरा एज इट इज मिल जाएगा। डायलॉग बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे आइकन की, गाइस आइकन वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, उससे पहले मैं आपको चलता हूँ कैसे 5 मिनट्स को ट्राई करना है, कर देता हूँ अप्लाई। तो अब तक तो पासवर्ड आपको शो हो चुका होगा, आपने इसको इजीली इंस्टॉल कीजिए और पासवर्ड को उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। और चलिए, मैं आपको iMode Pro के अंदर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। गाइस, पहले तो आपको iMode Pro इंस्टॉल करना पड़ेगा, यदि आपने iMode Pro इंस्टॉल नहीं किया लेटेस्ट वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है जो यहाँ पे, उसको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है थीम ट्रायल हैज़ बीन एक्सपायर्ड, आपकी थीम की जो ट्रायल एक्सपायर मतलब 5 मिनट्स का ट्रायल था वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब आपका थीम परमानेंटली 5 मिनट्स का ट्रायल बाईपास हो चुका है, आप चाहे उसको परमानेंटली थीम को यूज कर सकते हैं। दूसरे, जैसे हम थीम को अप्लाई करेंगे, इस तरह कुछ आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो आपने देख लिया होगा इंट्रो के पहले। तो इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है, तो उसको ऐसे क्लिक करोगे, 2 सेकंड रखोगे तो आपकी फ़ोन के अंदर जो आपका लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट है ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड हो जाएगा। और बिग शाउट आउट टू भाई जो लॉक स्क्रीन प्रोवाइड किए थे, एनिमेशन भाई प्रोवाइड किए थे, इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा। उनका नाम है एरियन स्टडी गाइज,
भाई हैं जो हमको इस एनिमेशन फाइल प्रोवाइड किए थे। तो चलो इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन एनिमेशन के साथ साथ यहाँ पे आइकन ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। और बात करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल एंड स्टेटस बार की, तो गाइज मैं आप जो भाई ने बोले थे कि मतलब स्टेटस बार का बैटरी आइकन चेंज करो, देख सकते हो तो भाई आप मतलब हम आपने बोला था हॉब ने चेंजेस किया है, इस तरह कुछ मिल जाते हैं पूरा एज इट इज़ एक्यूरेट। आपको MIUI 12 जैसा आपको मतलब स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, आइकन कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे सेटिंग्स पैनल आपको ऐसा नया है सेटिंग्स पैनल देखने को मिल जाता है, पूरा आपको एक्यूरेट MIUI 12 का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देगा जो बहुत ही अच्छा। यदि आप बहुत ही एक्साइटेड थे MIUI का 12 थीम यूज़ करने के लिए, दोस्तों इस थीम को जरूर ट्राई कीजिए और यूज कीजिए, मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करके या फिर इंस्टाग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को बता सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसा कुछ मिल जाता है, आई नो गाइज फिंगरप्रिंट थोड़ा डिले है बट सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत ही सही है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी थोड़ा डिले होता है, तो ये तो भाई ऐसे भी सॉफ्टवेयर का है सो दैट ये तो डिले होना बनता है। इस तरह कुछ आप इंटरफेस स्कूल मिला के बात करेंगे, एक बहुत ही कमाल का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। यदि इस थीम को आप यूज एंड अप्लाई करेंगे तो आप पूरा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। यदि कुछ बॉक्स इशू आ रहा है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह कुछ आप जैसे मतलब स्क्रोल आउट करोगे तो आपको देख देता हूँ इस तरह कुछ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट मैंने उस नोटिफिकेशन यूज नहीं कर रहा, आप चाहें तो नोटिफिकेशन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं MIUI 12 जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है। तो बात करेंगे यहाँ पे अदर कुछ चीज़ों जो यहाँ पे बता चुके हैं, सब कुछ कुल मिला के बहुत ही सही थीम है गाइज, आप उसको यूज कर पाएंगे डेली बेसिस पे। जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं एक्साइटिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो गाइज, हैव अ टेक केयर एंड गुड बाय।